वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 3, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। जो हमारा सबसे पहला मेथड होता है वो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, हमारा दूसरा मेथड होता है वो होता है एलिमिनेशन मेथड, और हमारा तीसरा जो मेथड होता है वो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑलरेडी हमारे लेक्चर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा था, तो अब हम लोग एक एलिमिनेशन मेथड को भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखिए, हमारा जो सबसे पहला इक्वेशन है वो 10x प्लस 3y इक्वल टू 75 है, और हमारा जो सेकंड इक्वेशन है वो 6x माइनस 5y इक्वल टू 11 है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, इसको करने का सबसे पहला अप्रोच ये होता है ना कि हमें दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, दो अलग अलग ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा कोई भी एक वेरिएबल का न्यूमेरिक वैल्यू सेम हो जाए। जैसे कि आप यहाँ पे हमारा एक, मान लीजिए हम y का टर्म लेते हैं, तो y के टर्म में जो हमारा ये 3 है, ये 3 को हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो मतलब 15 हो जाए मान लीजिए, और हमें सेकंड इक्वेशन को, जैसे यहाँ 5 है, हमें दोनों को 15 बनाना है। तो हमें 15 बनाने के लिए पहले वाले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हमें सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा सबसे पहला अप्रोच जो होता है वो ये होता है कि हम लोग दोनों इक्वेशन को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें, दो अलग अलग ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे कि हमारा एक वेरिएबल का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो जाए। तो देखिए, हमारा सबसे पहला स्टेप ये होगा कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 5 एंड इक्वेशन 2 by 3। तो देखिए, हमारा, अगर हम पहले वाले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलेगा 50x प्लस 5 3 जा 15y इक्वल टू 5 5 जा 25 75 375। ओके, उसके बाद हमारा जो सेकंड इक्वेशन है इसको अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 18x माइनस 15y इक्वल टू 33। तो स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि हमें दो इक्वेशन मिल गया है। तो हम लोग मान लीजिए इस इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 और एक इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। तो सॉरी, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं चलिए इसको। तो हम लोगों ने देखा कि हमने जब पहले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमें इक्वेशन नंबर 3 मिला, हमारा 50x प्लस 15y इक्वल टू 375, एंड हमारा फोर्थ इक्वेशन मिला हमें सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप देखें कि हमारा जो एक, जो भी एक वेरिएबल का न्यूमेरिक वैल्यू सेम हुआ है, जैसे हमारा वेरिएबल है यहाँ पे y और इसके आगे का जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको 15 है, दोनों में आप देख सकते हैं कि 15 है, तो अगर दोनों के आगे प्लस साइन रहे, ठीक है, दोनों के आगे अगर प्लस साइन रहे तो हमें उस केस में करना है इसको सब्ट्रैक्ट, और अगर एक के आगे प्लस और एक के आगे माइनस रहे तो हमें करना है इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड। तो अब हम लोग लिखेंगे हमारा एडिंग इक्वेशन 3 and 4 तो क्या मिलेगा हम लोगों को जब हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, जैसे 50x प्लस 15y इक्वल टू 375 एंड 18x माइनस 15y इक्वल टू 33। तो हमारा, देखिए स्टूडेंट, एक के आगे प्लस है, एक के आगे माइनस है, तो ये टर्म हमारा जो है टोटली कैंसिल आउट हो जाएगा ऐड करने के बाद। अभी हम लोग इसको ऐड करें तो हमें मिलेगा यहाँ पे एक x, हमारे पास सिर्फ x का टर्म बचेगा, तो 68x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 408। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, x इक्वल टू 408 डिवाइडेड बाय 68, दैट इज़ इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट, हमें यहाँ पे मिल गया है, x की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे,
तो हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हमने इक्वेशन नंबर टू में, चाहे आप इक्वेशन वन में करें चाहे आप इक्वेशन टू में करें, एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने से आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी. तो सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू सिक्स इन इक्वेशन टू तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए सिक्स एक्स की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, सिक्स माइनस ऑफ फाइव वाई इक्वल टू इलेवन. तो हमारे ये क्या हो जाएगा, थर्टी सिक्स माइनस ऑफ फाइव वाई इक्वल टू इलेवन. अब ये इधर हो जाएगा माइनस ऑफ फाइव वाई इक्वल टू इलेवन. ये जब 36 उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि इसके आगे अभी प्लस है. तो माइनस ऑफ फाइव वाई इक्वल टू माइनस ऑफ 25 और ये आपस में कैंसल आउट हो जाएगा और हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 25 बाय 5 दैट इज इक्वल टू 5. तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमें x की वैल्यू मिली x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 5. तो हमारा जो ऊपर में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन था ये 10x प्लस 3y इक्वल टू 75 और 6x माइनस 5y इक्वल टू 11. तो इसके लिए हमें x और y की वैल्यू मिल गई है x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 5. तो स्टूडेंट यही है एक एलिमिनेशन मेथड, बट इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है जिसको हम लोग अभी समझेंगे तो उससे आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे. तो स्टूडेंट्स अभी तक आपने एक तरीका सीखा, एक एग्जाम्पल देखा एलिमिनेशन मेथड का. अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे एलिमिनेशन मेथड का. इस टाइप के एग्जाम्पल्स जो होते हैं ये एग्जामिनर के जो होते हैं पर्सनल फेवरेट होते हैं. इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर को बहुत पसंद आता है. है ये बहुत इजी क्वेश्चन, बस ये देख करके बहुत ज़्यादा लग रहा होगा कि ये क्या है क्वेश्चन. तो देखिए यहाँ पे हमारा जो पहला इक्वेशन है वो है 15 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 22 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5. एंड हमारा जो सेकेंड इक्वेशन है वो है 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 13. तो ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं. तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को करने का जो हमारा पहला अप्रोच होता है वो ये होता है कि हम लोग 1 अपॉन एक्स माइनस वाई एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को कुछ और वेरिएबल दे दें. जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को एक वेरिएबल दे दिया u इक्वल टू u एंड हम लोग 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को दूसरा वेरिएबल असाइन कर देंगे, ये दे देंगे v. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि अब हमारा जो इक्वेशन बनेगा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह हम लोग डालेंगे u और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह हम लोग डालेंगे v. तो हमारा इक्वेशन जो अब बनेगा वो बनेगा 15u प्लस 22v इक्वल टू 5 एंड हमारा जो सेकेंड इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 40u प्लस 55v इक्वल टू 13. ठीक है, मान लीजिए इसे हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड और इसे हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फोर्थ. तो स्टूडेंट्स अब हमारा सबसे पहला अप्रोच ये है कि हमको इन दोनों को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि हमारा एक वेरिएबल जो है न्यूमेरिकली इक्वल हो जाए. तो मान लीजिए हम v को लेते हैं, तो यहाँ v है 22 और हमारा फर्स्ट थर्ड इक्वेशन में हमारा v है 22v और हमारा फोर्थ इक्वेशन में 55v. तो हम लोग ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन वन को, सॉरी इक्वेशन थ्री को 5 से. ठीक है, एंड इक्वेशन फोर को बाय 2. तो हमें मिलेगा कितना है, 5 है ना, 15 5 जा 75u प्लस 22 5 जा 110v इक्वल टू 5 5 जा 25. एंड हमारा सेकेंड इक्वेशन जो यहाँ पे, सॉरी फोर्थ इक्वेशन है, इसको हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो हमारा हो जाएगा 80u प्लस 110v इक्वल टू 13 2 जा 26. तो स्टूडेंट मान लीजिए हम इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 5 और इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 6. इतना इक्वेशन लेना नहीं होता है, आप आराम से
रह सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने इसलिए आप लोगों को समझाने के लिए जो है इतने सारे इक्वेशंस में इसको बांट दिया है, तो यहाँ पे हमारा आ गया। तो देखिए, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने बताया था स्टूडेंट्स कि अगर दोनों के, अगर हमारा जैसे ये न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है दोनों के, वी का, वी वेरिएबल का न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों में सेम है, 110 V एंड 110 V, अगर दोनों के आगे प्लस होगा तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, और दोनों के आगे, एक के आगे प्लस और एक के आगे माइनस होगा तो हम लोग उस कंडीशन में ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट, इस कंडीशन में हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन कौन सा, 5/6, हम लोग इक्वेशन 5 को 6 से माइनस करते तो क्या हो जाएगा हमारा, 80U प्लस 110V इक्वल टू 26, एंड हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा 75U प्लस 110V इक्वल टू 25। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ना स्टूडेंट, तो कैसे सब्ट्रैक्ट होगा, आई होप आपको आता ही होगा ये सॉल्व करने, तो तीनों के आगे हम लोग माइनस लिख देंगे, तो ये हमारा जो ये पूरा टर्म है, 1 + 1 - ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 5U = 1, तो हमारा u का वैल्यू हो जाएगा 1/5। और इसी तरीके से अब जब हम u के वैल्यू को इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे, मान लीजिए हम लोगों ने इसको सब्सटीट्यूट किया इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है, तो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ u इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन 3, तो क्या हो जाएगा, 15 × 1/5 प्लस 22V इक्वल टू 5, तो ये 1, ये 3, दैट इज 3 + 22V इक्वल टू 5 एंड 22V इक्वल टू 5 - 3 एंड V इक्वल टू 2/22, दैट इज़ 1/11। तो स्टूडेंट, हमें यहाँ से एक वैल्यू यू की मिल गई, दैट इज़ 1/5, एंड वी की भी वैल्यू मिल गई 1/11। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने जो माना था 1/x = u और 1/x - y इक्वल टू यू और 1/x + y इक्वल टू वी, तो अब जस्ट हम लोग जो u की वैल्यू हमें मिली है और v की वैल्यू मिली है उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस जगह पे, ठीक है। तो चलिए, हाँ, तो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले वैल्यू निकाला, u की वैल्यू 1/5 और v की वैल्यू 1/11, तो अब हम लोग इसको इसमें पुट करेंगे, तो 1/x - y की वैल्यू क्या आ गई, u की वैल्यू हमारी आई है 1/5, एंड हमारी जो सेकेंड वैल्यू आई है वो v की है 1/x + y इक्वल टू 1/11। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x - y इक्वल टू 5, एंड सेकेंड वाले इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं x + y इक्वल टू 11। तो स्टूडेंट, अब हमें इसे फिर से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे ना, जैसे मान लीजिए ये हमारा x - y इक्वल टू 5 है और x + y इक्वल टू 11 है, ये दो इक्वेशन है। तो अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो, मान लीजिए हम लोग y को ले रहे हैं, y जो है हम उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बिल्कुल ही सेम है, जैसे y के आगे भी 1 ही है और यहाँ पे भी 1 ही है, और देखिए एक के आगे में माइनस है और एक के आगे में प्लस है, तो हम इस दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर देंगे। तो मान लीजिए अभी हम लोगों ने इससे पहले कौन सा इक्वेशन लिया था, जो भी लिया था, इसको हम लोग 7 मान लेते हैं और इसको हम लोग 8 मान लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, सीधा एडिंग इक्वेशन 7 and 8, 7 and 8, तो क्या हो जाएगा ना, जब हम लोग इसको ओवरऑल ऐड करेंगे तो हमारा ये वाला टर्म हो जाएगा कैंसिल, तो हमें यहाँ पे 2x की वैल्यू मिल जाएगी 16, और हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 16/2, दैट इज़ 8। तो स्टूडेंट, हमें यहाँ से x की वैल्यू 8 मिल गई। अब जो है हम क्या करेंगे ना, हमें जो यहाँ पे x की वैल्यू मिली है इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 8 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मान लीजिए हम लोग करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन
सॉरी एक्स इक्वल टू एट इन इक्वेशन एट, कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, यहाँ पे दो दो एट है। तो क्या है, एक्स की वैल्यू हमारी है एट प्लस वाई इक्वल टू इलेवन, तो वाई इक्वल टू इलेवन माइनस एट दैट इज़ इक्वल टू थ्री। तो स्टूडेंट यही था ये वाला सम, तो आई होप आप लोगों को ये सम समझ में आया होगा अच्छे से। इस टाइप के सम एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं, जस्ट बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ही लेंदी होते हैं, वो आपको इसी टाइप का घुमा हुआ क्वेश्चन पूछते हैं। तो आई होप इससे आपका एलिमिनेशन मेथड का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होता है। तो अब चलिए एक स्पेशल टाइप के एग्जाम्पल की तरफ हम लोग चलते हैं। ये बहुत ईजी टाइप का एग्जाम्पल है बट एक स्पेशल केस है, इसीलिए आप लोगों को ये जानना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे एक स्पेशल टाइप का एग्जाम्पल। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है वो सबसे पहला है 37x plus 43y equal to 123, और हमारा सेकेंड इक्वेशन है 43x plus 37y equal to 117। तो आप लोग इस इक्वेशन, मान लीजिए इसको हम लोग इक्वेशन नंबर वन मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर टू। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात एक्चुअली ये है कि हमारा जो यहाँ पे x का वेरिएबल है इक्वेशन नंबर वन में, वही हमारा y का वेरिएबल है इक्वेशन नंबर टू में, और वही जो हमारा y का वेरिएबल है इक्वेशन नंबर वन में, तो हमारा एक वही हमारा x का वेरिएबल है इक्वेशन नंबर टू में। तो स्टूडेंट इस टाइप के सम को सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान होता है। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा अप्रोच लगता है इस टाइप के सम में वो ये होता है कि हम लोग इसको ऐड कर दें आपस में, जैसे एडिंग इक्वेशन वन एंड टू। तो जब आप लोग इक्वेशन वन और टू को ऐड कर दीजिएगा, जैसे 37x plus 43y equal to 123 and 43x plus 37y equal to 117। तो जब आप लोग इसको पूरा ऐड कर दीजिएगा तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा 80x plus 80y equal to 042। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 80x plus 80y equal to 240। तो अब क्या करेंगे, हम इससे 80 कॉमन ले लेंगे। 80 कॉमन लेने के पास के बाद हमारे पास आ जाएगा x plus y equal to 240। तो उसके बाद आ जाएगा हमारे पास एक इक्वेशन x plus y equal to 240 by 80 that is equals to 13। तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा x plus y equal to 3। तो मान लीजिए इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। और सिंपली हमें क्या करना है, सिंपली हमें जस्ट एक सब्ट्रैक्ट कर देना है अब वापस से इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमें मिल जाएगा 37x प्लस 43y इक्वल टू 123 हमारा एक इक्वेशन। हमारा दूसरा इक्वेशन है 43x प्लस 37y इक्वल टू 117। अब जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन्हें हम, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ 6y इक्वल टू माइनस सॉरी 6, ठीक है 6 ही मिलेगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे, माइनस से ओवरऑल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा, सबसे पहले हम 6 को कॉमन ले लेते हैं। तो 6 को कॉमन लेने के बाद हमें मिल जाएगा, को कॉमन लेने के बाद यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई इक्वल टू 6। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 अपॉन 6 दैट इज़ इक्वल टू 1। तो हमारा एक इक्वेशन यहाँ पे आ गया x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 1, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो स्टूडेंट अब हमारे पास दो और अलग अलग साइमल्टेनियस इक्वेशन हैं, तो हमारे पास एक और दो और नया साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गया है। जो हमारा पहला इक्वेशन है वो आया x प्लस वाई इक्वल टू 3 हमारा थर्ड इक्वेशन, और हमारा जो फोर्थ इक्वेशन आया है वो है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन है। तो स्टूडेंट अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमारा x जो है उसके आगे का जो उसका जो न्यूमेरिक वैल्यू है कोफिशियंट का, वो बिल्कुल ही सेम है, मतलब दोनों केस में 1 है, और एक के आगे प्लस है एक के आगे माइनस है। तो हम लोग जस्ट इसको क्या कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4,
तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, तो हमारा x का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 2y इक्वल टू 4, तो हमारा y का वैल्यू आ जाएगा 4/2 दैट इज़ इक्वल टू 2। तो हमने y का वैल्यू निकाल लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, जस्ट y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में मान लीजिए हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे साइड में कर रही हूँ, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3, तो हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 3 और यहाँ से हमें x इक्वल टू 3 माइनस 2, तो यहाँ से हमें आ जाएगा x इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारा ये जो स्पेशल क्लास वाला स्पेशल केस वाला जो एग्ज़ाम्पल है वो भी सॉल्व कर दिया। तो हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड को एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझा, हम लोगों ने टोटल 3 एग्ज़ाम्पल्स किए, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया है, कोई डाउट आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और आपके डाउट को हम लोग जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।